गुड मॉर्निंग राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम्स में। आज आपके लिए जो जल प्रहरी परीक्षा दोबारा होनी है उसके लिए जो होम साइट पर कल अखबार में आई थी और आज होम साइट पर वो विज्ञप्ति अपलोड कर दी गई है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की। और चलिए आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान जेल वार्डन एग्जामिनेशन पोर्टल 2018, तो यहाँ पर जो 30/10 की है उसके ऊपर ये विज्ञप्ति जारी, री एग्जामिनेशन की फ्रेश रिलीज जारी हो चुका है। तो हम इसे देखते हैं इसमें क्या है। हम जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 20/11/2018 दिनांक दी हुई है उसमें। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 का दिनांक 28 अक्टूबर 2018 को प्रथम पारी में आयोजित परीक्षा का पुनः आयोजन दिनांक 29 नवंबर 2018 को किया जाएगा। उक्त पारी हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी अपना नवीन प्रवेश पत्र जेल प्रहरी की वेबसाइट www.jailprahariraj2018.in पर दिनांक 26 नवंबर 2018 से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात दोस्तों नोडल अधिकारी जेल प्रहरी परीक्षा 2018 ये जो आ चुकी है री एग्ज़ाम की डेट, और 26 नवंबर 2018 से आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ वो जिनका 28 तारीख की पहली पारी में पेपर था। तो ये बात थी दोस्तों कि पेपर दोबारा हो रहा है 28 तारीख की फर्स्ट पारी का। तो क्या आपको लगता है कि और पारियों के पेपर लीक नहीं हुए हैं, या वो 28 तारीख की पारी के दुश्मन बने हुए थे कि 28 तारीख की सिर्फ प्रथम पारी को पेपर लीक कराना है, क्या हो सकता है दोस्तों? तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पारी का पेपर लीक हुआ है, और जो पेपर लीक हुए थे वो सिर्फ फर्स्ट पारी का हो ये थोड़ा मायने नहीं रखता कि फर्स्ट पारी का सिर्फ पेपर लीक हुआ है। चलो अच्छा है, वैसे अगर पेपर दोबारा होता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है कि हम पहले पेपर दे के आए और दोबारा ये पेपर देने जाएंगे तो बहुत खर्चा बैठ जाता है इस पेपर का। तो अगर नंबर आना हो तो ऐसे ही हमारा आ जाएगा। और अगर कुछ पेपर लीक और भी हुए ना तो इसमें मेरिट बहुत हाई जाने का चांस होता है। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि आपके नंबर कम हैं, आपके नंबर बहुत होंगे, पर जो और पेपर लीक हुए ना, अगर ये राजस्थान पुलिस में नहीं इनको मतलब संतुष्टि प्राप्त हुई है लीक कराने वाले को, तो 13,000 लगा दिए, 13,000 में से 10,000 तो लगा ही दिए होंगे और 3,000 खुद लग गए होंगे। तो 3,000 तो खुद लगे और 10,000 तो लगा ही दिए होंगे। और ये बात कर रहे हैं कि जेल प्रहरी परीक्षा, ये तो छोटा सा पेपर था और इसमें भी ये लीक कराने वाले पीछे नहीं रहे। तो राजस्थान पुलिस का जब पेपर चल रहा था तो ये ऑनलाइन पेपर को लीक करा सकते हैं, तो ऑफलाइन पेपर को क्या करा सकते हैं ये आप जानते होंगे। तो राजस्थान पुलिस में पेपर हुआ और वो पहले ऑनलाइन हुआ फिर ऑफलाइन हुआ, और उसमें जो हमारे हाई कोर्ट ने पहली पारी का पेपर दूसरी पारी में बटने से उसने खारिज ही कर दिया कि ये कुछ नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये कोर्ट ने खारिज कर दिया, दिल तो ऐसा करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाएं, पर क्या करें दोस्तों, हम तो यहाँ पर कोर्ट में नहीं जा सकते। और एक बात देखते हैं दोस्तों कि पेपर आता है, ऑनलाइन पेपर आता है, हमें कुछ नहीं मालूम होता, हमें सिर्फ इतना मालूम होता है कि पेपर अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है। हम घर बैठे सोचते हैं कि पेपर ऐसे बनाते होंगे या फिर एक रूम में बैठे होंगे और सब कुछ मतलब अंदर मोबाइल नहीं ले जाते, ऐसे होंगे, पता नहीं, हम सोचते हैं वैसे हमें पता नहीं कि क्या होता है। और ये वो लोग हैं जिनको सब पता है, इनको ये भी पता है कि पेपर पहले कैसे निकाला जाता है और पेपर को कैसे खोला भी जा सकता है, शायद ये पेपर को पेपर होने के बाद भी कुछ करते होंगे, तो हमें ये पता नहीं। तो चलो ठीक है, वैसे ये फर्स्ट बारी का तो सामने आया है तो दोबारा हो रहा है, ये अच्छी बात है, और हम रिजल्ट के इंतज़ार में हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आए और आप
फिजिकल की आप अगर 300 के लगभग नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल फिजिकल 100 नंबर का होगा इसमें, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो हमारा नंबर आ सकता है अगर हम अच्छा स्कोर करके आए हैं। अगर लीक हुआ है तो दोस्तों मैं कह नहीं सकता। तो जैसे ही रिजल्ट की खबर आएगी, कोई नई अपडेट आएगी, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट, और दिसंबर से पहले बता दूं कि रिजल्ट घोषित कर सकते हैं दिसंबर में, मतलब 15 दिसंबर के लगभग रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो कॉपियां, जो पहले सभी कैंडिडेटों की जो पेपर है वो चेक हो चुके हैं और सिर्फ यही बाकी है, तो ये आप अंदाज़ा लगा लो भी कितने दिन में ये पेपर चेक हो सकता है और रिजल्ट अभी घोषित कर देंगे। तो लगभग ये 15 दिन ऑब्जेक्शन का टाइम देते हैं सुर्खी में, और उसके बाद रिजल्ट जारी कर देंगे। और रिजल्ट जारी करने के बाद एक महीने का लगभग फिजिकल का टाइम ये देते हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट की खबर आएगी, आंसर की आएगी, तो मैं सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। इसलिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आए तो लाइक भी करना।